नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट टाइम सीवी पर। आप देख रहे हैं मेरे साथ सिलसिला बाजार का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजार का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सोमवार के दिन कारोबारी सप्ताह के पहले कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और आगे जाके किस कम्युनिटी में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सोना इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में $1900 के ऊपर है, 1908 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 1.25% की बढ़त है। सिल्वर में भी देख रहे हैं लगभग 1.5% की तेजी है, $24.3 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। देख रहे हैं कि हफ्ते के पहले कारोबार दिन गोल्ड और सिल्वर दोनों ही इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में अच्छी खासी तेजी के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। बात करें अगर घरेलू की तो MCX पर भी जो गोल्ड है उसमें बढ़त देखने को मिली है, 51,000 के ऊपर है, 1.5% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। सिल्वर में भी तेजी देखने को मिल रही है MCX पर। हम देख रहे हैं कि गोल्ड में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही मार्केट्स में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि गोल्ड में थोड़ी सी हल्की नरमी भी देखने को मिली थी। आप जैसे देख ही रहे हैं कि जो प्राइसेज हैं थोड़े से ऊपरी स्तर से थोड़े स्लिप हुए हैं, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। दरअसल ये जो रशिया और यूक्रेन के जो बीच जो क्राइसिस चल रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और जो युद्ध छिड़ने वाला है, अब एक बार फिर से जो लगातार घमासान युद्ध हो रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच, उसकी वजह से जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्रिएट हुई हैं, इसके कारण ये जो गोल्ड और सिल्वर की जो कीमतें हैं, जो प्राइसेस हैं, उनमें बढ़त देखने को मिली थी। अब जो बाकी देश हैं वो सब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं कि अब क्योंकि रूस जो है यूक्रेन पर हमला करने से पीछे नहीं हट रहा है, नहीं मान रहा है किसी भी देश की बात, तो इसलिए बाकी देशों ने फैसला लिया है कि रूस पर जैसे भी जिस तरीके से भी दबाव बनाया जा सके, व्यापार को लेकर, आर्थिक चोट को लेकर, किसी भी तरीके से, चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेकर हमला कर किसी भी तरीके से रशिया पर दबाव बनाना चाह रहे हैं। इसी की वजह से गोल्ड और सिल्वर में ऊपरी स्तर से एक अच्छी तेजी के बाद अपर प्राइसेस से, अपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी बनती नजर आई थी और इसी की वजह से निचले स्तर से फिर खरीदारी भी हुई, निचले स्तर से बाइंग इनिशिएट भी हुई। लेकिन अब फिर से देख रहे हैं कि गोल्ड ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। हफ्ते के पहले कारोबार दिन गोल्ड और सिल्वर में आज इंट्राडे में भी तेजी देखने को मिल सकती है। गोल्ड में और सिल्वर के अंदर सेफ हेवन डिमांड फिर से देखने को मिल सकती है लोअर लेवल से। जब तक ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है रशिया और यूक्रेन के बीच खत्म नहीं हो जाता है, जो युद्ध चल रहा है, तब तक गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेस हैं ऐसे ही देखने को मिल सकते हैं। ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग भी आती रहेगी और लोअर लेवल से जो बाइंग है वो भी इनिशिएट होती रहेगी। जो जानकार है उन्होंने ये तक बोल दिया है कि घरेलू वायदा बाजार MCX पर जो गोल्ड है 52,000 के पार जा सकता है, हमने जाते हुए भी देखा, और जो सिल्वर और जो इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड $2000 के ऊपर जाता नजर आ सकता है। तो हमने 2000 के करीब जाता हुआ तो देखा था, $1950-1960 पर गोल्ड ट्रेड करता नजर आया था। जून लॉकडाउन के दौरान जो थे हमने लेवल्स देखे थे, उन लेवल्स पर भी गोल्ड ट्रेड करता नजर आया था। उसके बाद से ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग जो बनी उसकी वजह से $1900 के नीचे लुढ़का था अभी आखिरी बीते कारोबारी सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन, लेकिन लोअर लेवल से फिर से बाइंग इनिशिएट हो चुकी है। सेफ हेवन डिमांड गोल्ड और सिल्वर में अभी देखने को मिलती रहेगी। बात करें यहां से अगर आप क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में देख रहे हैं कि WTI $96 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, $96.95 पर, और WTI क्रूड में इस वक्त 6% की तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $99.55 पर ट्रेड कर रहा है और लगभग 6% की ही बढ़त ब्रेंट क्रूड में भी देखने को मिल रही है। देख रहे हैं कि कच्चा तेल WTI ब्रेंट क्रूड ऑयल जो बीते कारोबारी दिन में कुछ हल्की नरमी के साथ ट्रेड करता नजर आया था, जो प्राइसेस थे ऊपरी स्तर से थोड़े ड्रॉप हुए थे, थोड़े स्लिप हुए थे, उनमें अब फिर से बढ़त देखने को मिल रही है। बीते कारोबारी सप्ताह तो मार्केट सेंटीमेंट्स एक तो रशिया यूक्रेन वाले बने थे जिसकी वजह से तेजी देखने को मिल रही थी, और जो नरमी आई थी वो इसलिए देखने को मिली थी, जो प्राइसेस फॉल करे थे इसलिए करे थे कि मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी मानना था कि अमेरिका और ईरान के बीच जो न्यूक्लियर डील है उसकी वजह से ईरान जो मार्केट में कच्चे तेल की जो ऑयल जो इन्वेंट्रीज हैं, जो स्टॉक है उसको रिलीज करेगा, उससे मार्केट की जो डिमांड है
आपूर्ति डिमांड जो डिमांड है वो पूरी की जा सकेगी। इसकी वजह से कच्चे तेल में हमने थोड़े से प्राइसेस में डाउनफॉल आता हुआ देखा था, लेकिन प्राइसेस तब भी अट्रैक्टिव थे और अब की बात करें तो प्राइसेस अब भी अट्रैक्टिव हैं। हमने प्रॉफिट बुकिंग भी बनते हुए देखी थी क्रूड के अंदर। और अभी जो रशिया यूक्रेन विवाद जो अब जो और भड़क चुका है, आग में झुलसता ही जा रहा है यूक्रेन, उसकी वजह से क्रूड में अब ऐसे असमंजस का माहौल बना हुआ है, एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनमें अब आगे और बढ़त देखने को मिल सकती है। जो सप्लाई है नेचुरल गैस की, कच्चे तेल की, एनर्जी पैक की रशिया और यूक्रेन से, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। और अब रशिया यूक्रेन के साथ साथ जो बाकी देश हैं वो भी इस जंग में शामिल होने की कगार पर हैं। सबने बोल दिया है कि हम यूक्रेन की मदद करेंगे। वही चाइना रशिया का साथ दे रहा है, तो चाइना और रशिया दोनों ही बहुत बड़े मार्केट प्लेयर्स हैं। अगर इनकी इकोनॉमी में अगर यहाँ पर कुछ हलचल होती है, ज्योपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट होती हैं, तो उसका असर पूरा ग्लोबली देखने को मिलता है और वही हम अब होता हुआ देख भी रहे हैं। वही बात करें अगर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों की, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है काफ़ी समय से, और अब जो चुनाव चल रहे हैं उसकी वजह से सरकार ने जो पेट्रोल डीजल की जो कंपनियां हैं उन पर अभी दबाव बनाया हुआ है कि अभी चुनाव चल रहे हैं इसकी वजह से जो पेट्रोल डीजल की जो प्राइसेस हैं वो ना बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर लॉजिकली भी देखें तो पेट्रोल की जो कीमत अभी मार्केट में है और विश्व और ग्लोबली कच्चे तेल महंगा होने से पेट्रोल के जो दाम बढ़ने चाहिए हैं, उन दोनों के बीच का अंतर लगभग 10 से 12 रुपए पड़ रहा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बार चुनाव खत्म होते हैं तो उसके तुरंत बाद ही कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी और ज़्यादा, और पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो रॉकेट की तरह बढ़ेंगी अचानक से। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्रूड ऑयल होता है पूरी इकोनॉमी को चलाता है, तो कच्चा तेल जब महंगा होगा तो माल ढुलाई की लागत महंगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, तो जो कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं वो हाइक हो जाएंगे, तो जो इन्फ्लेशन रेट है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो महंगाई है आम जनता को, आम लोगों को, उसका असर ज़्यादा झेलना पड़ेगा। तो क्रूड का पूरा पूरा असर इन्फ्लेशन रेट पर पड़ता नज़र आ भी रहा है और आगे भी आ सकता है। बात करें यहाँ से अगर आप बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स का बाजार देख रहे हैं कि कॉपर $4.5 पर है, आधे फीसदी की बढ़त है। MCX जिंक 301 पर है, MCX निकल 1862 पर, MCX लेड 163 पर। देख रहे हैं कि घरेलू वायदा में तो मिला जुला सा रुझान है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो कॉपर है तेजी के साथ ट्रेड करता नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि बीते फ्राइडे यानी बीते शुक्रवार के मुकाबले कॉपर के जो प्राइसेज हैं थोड़े से ड्रॉप हुए थे और हमने देखे भी हैं, क्योंकि जो इन्वेंट्रीज हैं कॉपर की वेयर हाउसेस के अंदर उनमें एक हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। हालांकि अब बेस मेटल्स की जो डिमांड है इन फ्यूचर आगे वो काफ़ी शानदार रहने वाली है, काफ़ी अच्छी रहने वाली है, चाहे आपका एलुमिनियम हो, निकल हो, कॉपर हो। अब जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो दौर है कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की वजह से वो शुरू हो जाएगा। जो जानकार है वो भी बता रहे हैं कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से बेस मेटल्स की जो खपत है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो बेस मेटल्स का भी जो भविष्य है वो भी तेजी की ओर ही है आगे जाके। और दूसरा जो इन्फ्लेशन रेट है उसकी वजह से हम बेस मेटल्स की कीमतों में पहले से ही प्राइसेस को हाई जाता हुआ देख चुके हैं, जो कि आगे भविष्य में और भी बढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल रुझान बेस मेटल्स की कीमतों में भी तेजी वाला ही रहने वाला है, निचले स्तर पर खरीदारी में रहा जा सकता है। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज़ की।